पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन जयपुर अजमेर भरतपुर बीकानेर जोधपुर कोटा उदयपुर में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 7 जिलों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा का आयोजन 55 सेंटर्स पर करीब 14,977 अभ्यर्थी आजमाएंगे अपने किस्मत। परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी और कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जयपुर में 19 केंद्रों पर 4,681 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। भर्ती परीक्षा के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष की स्थापना हुई है। भर्ती परीक्षा के लिए 19 उप समन्वयक और उड़न दस्तों की नियुक्ति की गई। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी दिनेश कसाना अलाय जुड़े हैं। दिनेश, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन और ऐसे में 7 जिलों में और खासतौर पर दिनेश जहां से आप जुड़े हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था सेंटर्स पर अभ्यर्थी पहुंचने लगे हैं क्या? देखिए, फिलहाल गांधीनगर अंग्रेजी माध्यम स्कूल के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर परीक्षा केंद्र का मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा आपको। परीक्षा केंद्र पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको ठीक 9 बजे, चूंकि महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा है और तमाम अभ्यर्थी हैं वो महिला हैं और ऐसे में ठीक नौ बजे सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रवेश दे दिया गया है। 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये परीक्षा होगी। तो ऐसे में 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, 1 घंटे में तमाम तरह की अंदर की जो कार्रवाई है, चाहे उनकी जांच पड़ताल करनी हो या फिर सिटिंग अरेंजमेंट करना हो, ये तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जाएंगी और इसके बाद 10 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूट तमाम अभ्यर्थियों को कर दिया जाएगा। तो फिलहाल सभी अभ्यर्थियों को अंदर ले लिया गया है और इसके पूरी चेकिंग के बाद ही अंदर लिया गया है और जिस तरह से पेपर लीक की लगातार घटनाएँ हो रही हैं उसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पूरी व्यवस्थाएँ की गई है। फ्लाइंग अलग अलग उड़न दस्ते बनाए गए हैं, जिला कलेक्ट्रेट की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, एक कंट्रोल रूम का भी गठन जिला कलेक्ट्रेट की ओर से किया गया है और चूंकि 209 पदों पर ये भर्ती परीक्षा हो रही है और 14,977 कुल अभ्यर्थी इसमें शामिल है, चूंकि जिस तरह से चूंकि महिलाएँ सब तमाम अभ्यर्थी हैं ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस बार ये भी व्यवस्था की गई है कि ज़्यादा किसी को आवाजाही दूर ना करनी पड़े परीक्षा के लिए। इसके लिए सभी लगभग 7 संभाग मुख्यालयों पर ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, इंक्लूडिंग जयपुर अजमेर जोधपुर कोटा भरतपुर उदयपुर, ये 7 संभाग हैं बीकानेर जहां पर ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है और 14,977 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर ही बोर्ड लगा दिए गए हैं, जैसे हम अभी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल गांधीनगर में मौजूद हैं, परीक्षा केंद्र के बाहर रोल नंबर वाइज यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट की लगा दिया गया है ताकि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है वो अंदर प्रवेश ना करें, केवल अभ्यर्थियों को ही अंदर एंट्री दी गई है। कुल 192 अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रवेश दिया गया है और चूंकि ये कैलेंडर वर्ष जो अधीनस्थ बोर्ड की ओर से जारी किया गया था उस कैलेंडर वर्ष की पहली परीक्षा ही आज ये हो रही है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं अधीनस्थ बोर्ड की ओर से चयन बोर्ड की ओर से की गई है और चूंकि एक प्रावधान भी पेपर लीकेज की घटनाओं को रोकने के लिए चयन बोर्ड की ओर से पिछले दिनों किया गया था, जिसमें चूंकि पहले 5-4 विकल्प ही परीक्षा में दिए जाते थे प्रश्न के और इसके बाद अब ये ओमआर सीट जो खाली छोड़ दी जाती थी उसको रोकने के लिए 5वां विकल्प दिया गया। कल चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने भी अपील अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए की है कि 5वां जो विकल्प है उसको खाली ना छोड़े, उसे अगर अनुत्तरित है किसी भी तरह का कोई उत्तर नहीं है या नहीं देना है तो 5वां विकल्प भरे। तो ये तमाम अभ्यर्थियों को पहले ही सूचना दे दी गई थी, चूंकि पिछली जो रिजल्ट जारी किए गए थे उनमें भी करीब 2000 अभ्यर्थियों को इसकी वजह से अयोग्य घोषित किया गया था। 10% का एक प्रावधान इन परीक्षाओं में चयन बोर्ड की ओर से किया गया था कि 10% से ज़्यादा अगर कोई प्रश्न छोड़ देता है उसका किसी भी प्रकार कोई उत्तर नहीं देता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं चयन बोर्ड की ओर से की गई है। बिल्कुल दिनेश, और 5वें विकल्प के सहारे परीक्षा में होने वाली नकल और किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने की कोशिश। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।